अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट और वर्ल्ड्स बेस्ट स्किन व्हाइटनिंग के बारे में बताऊंगी। ये एक नेचुरल स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हर्श केमिकल्स नहीं है। एक महीने तक इस रेसिपी को यूज करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। इसके लिए एक आलू को अच्छी तरह धो के साफ करके आलू को दरमियान से काट लीजिए टुकड़ों में। अब एक कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, बंद गोभी लेके उसे भी काट लीजिए। व्यूवर्स, पोटैटो और कैबेज का कॉम्बिनेशन ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और स्किन कम्प्लेक्शन को एनहेंस करेगा। अब एक कप कटे हुए आलू और एक कप पत्ता गोभी, बंद गोभी लेके एक साथ बॉयल कीजिए। जब आलू और पत्ता गोभी बॉयल हो जाए तब इस पानी को छान लीजिए। अब इस पानी को ठंडा होने के लिए अलग से रख दीजिए। अब इन वेजिटेबल्स को मैश कर लीजिए। अब इसमें कच्चा दूध शामिल करके एक पेस्ट बनाइए। आखिर में इसमें एक चम्मच शहद शामिल कीजिए। आप चाहे तो शहद को बिना ऐड किए हुए भी यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ कर लीजिए, यानी कि अब इसमें ड्रिंक वेजिटेबल पानी से चेहरे को धो लीजिए। जो पानी हमने छान के रखा है उससे अपने चेहरे को धो लीजिए। याद रखिए, चेहरे को धो के पूछिए मत। जब स्किन ड्राई हो जाए तब इस पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई कीजिए। इस नेचुरल ट्रीटमेंट से आपका स्किन टोन लाइटन बनेगा, स्किन से ब्लेमिशेस दूर हो जाएंगे। अप्लाई करके 15 मिनट तक रखिए और 15 मिनट बाद पानी से धो लीजिए। आप इस प्रोसेस को एक महीने तक हफ्ते में 3 बार कीजिए। सच में व्यूवर्स, इससे आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।